सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ कैटेगरी 9 में हमें प्रूव करना है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स इन्फिनिटी इक्वल टू आई एंड एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस आई एंड इट इज गिवन दैट एक्स आर इक्वल टू कॉस ऑफ पाई अपॉन थ्री रेज टू आर प्लस आई टाइम साइन ऑफ पाई अपॉन थ्री रेज टू आर। सो ये क्वेश्चन क्वेश्चन वन के सिमिलर है, सिर्फ वहाँ पे हमें टू रेज टू आर दिया था, यहाँ पे थ्री रेज टू आर है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स नॉट ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, देन वो सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सो ये जो एक्स आर है इसे मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, ई रेज टू आई पाई अपॉन थ्री रेज टू आर। ओके सो यहाँ पर एक्स वन सॉरी एक्स नॉट होगा ई रेज टू आई पाई अपॉन थ्री रेज टू नॉट थ्री रेज टू जीरो एंड एक्स वन इक्वल्स टू ई रेज टू आई पाई अपॉन थ्री रेज टू वन एंड एक्स टू इज ई रेज टू आई पाई अपॉन थ्री स्क्वायर। सिमिलरली आई कैन राइट एक्स इन्फिनिटी इक्वल्स टू ई रेज टू आई पाई अपॉन थ्री रेज टू इन्फिनिटी। ओके सो नाउ कंसिडर एल एच एस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, सो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स इन्फिनिटी कैन बी रिटन एज, नाउ एक्स वन इज ई रेज टू आई पाई अपॉन थ्री रेज टू वन, एक्स टू इज ई रेज टू आई पाई अपॉन थ्री स्क्वायर, नाउ एक्स क्यूब इज ई रेज टू आई पाई अपॉन थ्री क्यूब इन टू डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ओके सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू आई पाई इन साइड द ब्रैकेट वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री क्यूब अप टू इन्फिनिटी। ओके सो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे सो दिस इज एक्चुअली सम ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन विथ कॉमन रेशियो इक्वल टू वन बाई थ्री एंड फर्स्ट टर्म इक्वल टू वन बाई थ्री। ओके सो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, एस एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म इन टू आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। सो देयर फॉर दिस एक्सप्रेशन दिस पर्टिकुलर सीरीज विल बी इक्वल टू वॉट, वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री रेज टू इन्फिनिटी बिकॉज एन इज इन्फिनिटी है माइनस वन अपॉन वन बाई थ्री माइनस वन। सो दिस इज इक्वल टू वन बाई थ्री इंटू, अब देखिए वन बाई थ्री जीरो और वन के बीच में लाई करता है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा था कि जीरो और वन के बीच में कोई वैल्यू लाई करे तो उसका इन्फिनिटी पावर क्या होता है, जीरो अप्रॉक्सीमेटली जीरो। ओके सो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन बाई थ्री, माइनस वन क्या होता है माइनस टू बाई थ्री, सो थ्री और थ्री कैंसिल माइनस माइनस कैंसिल, सो मुझे क्या मिला यहाँ पे आंसर वन बाई टू। सो वन बाई टू अगर मैं इसमें पुट करूँ एक्सप्रेशन में सो मुझे ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन किसके बराबर मिलेगा, ई रेज टू आई पाई इंटू वन बाई टू दैट इज ई रेज टू आई पाई बाई टू। सो दिस इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू, नाउ कॉस पाई बाई टू इज जीरो एंड साइन पाई बाई टू इज वन, सो दिस इज इक्वल टू आई। ओके जो आर एच एस है गिवन एक्सप्रेशन का। अब देखिए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसी का यूज करके कैसे, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स इन्फिनिटी कैन बी रिटन एज एक्स नॉट इन टू एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स इन्फिनिटी, नाउ दिस इज वॉट आई एंड वॉट इज एक्स नॉट, एक्स नॉट इज ई रेज टू आई पाई, सो वॉट इज ई रेज टू आई पाई माइनस वन। ओके बिकॉज ई रेज टू आई पाई इज कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, साइन पाई जीरो सो कॉस पाई इज माइनस वन, सो ये हो जाएगा माइनस वन इंटू आई दैट इज इक्वल टू माइनस आई विच इज आर एच एस ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड।